क्योंकि बारिश आती है तो उस टाइम पे जामुन आते हैं। तो ये देखिए क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? आजो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और मैं भी अभी आई हूँ अयान को स्कूल से लेके, और जैसे ही मैं घर पे आई हूँ वैसे ही बारिश इतनी तेज हो रही है, क्या बताऊँ, डेली डेली बारिश हो रही है। और पता क्या था, मैं अंदर थी कमरे में, जैसे ही मैं बाहर निकली ना तो अयान मेरा जा रहा था दुकान पे सामान लेने के लिए, तो कह रहा मम्मा बारिश हो रही है काफ़ी तेज, अब की बार ना बारिश ने इतना बुरा हाल कर रखा है लोगों का, बहुत बुरा हाल है। ओ पूरे में ना पानी पानी हो गया है। ओ ये क्या हुआ नो, हमारी गली में ना ओ नहर आ रही है अनु, इतनी बारिश हो गई हमें पता ही नहीं लगा। चलो अंदर आ जाओ बेटा, भींग जाएगा बेटा, अंदर आ जाओ, गंदा है पानी वो, आ जाओ। इतनी बारिश हो रही है, ये भगवान पता नहीं बारिश क्या करेगी अब की बार, बहुत ज्यादा है। आनू क्या है गली में ना, जो बाइकें निकल रही है ना, आ जाओ आनू, तो पानी के छींटे ना अंदर गली तक आ, अंदर गेट तक आ रहे हैं, इतनी ज्यादा बारिश है अब की बार। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है लोगों का, और ये दिल्ली में नहीं हर जगह ही बारिश है, चाहे कहीं भी चले जाओ पूरी इंडिया में बुरा हाल है। और इस टाइम पे मालूम क्या है, जामुन, जामुन का सीजन है, क्योंकि बारिश आती है तो उस टाइम पे जामुन आते हैं। तो ये देखिए, तो आज मैंने लिए थे, मैं ऐसे ही गेट पे खड़ी थी, क्या हुआ, क्या हो गया, ले लेना। तो मैं गेट पर खड़ी हुई थी तो मैंने देखा जामुन वाला जा रहा, तो मैंने सोचा चलिए ले लेती हूँ। और पता क्या, मेरे घर पे गांव में ना जामुन के काफ़ी सारे पेड़ हैं, तो ऐसे ही बड़े बड़े जामुन उस पर भी लगते हैं, लेकिन वही है जिस टाइम पे जामुन होते उस टाइम पे मैं घर पे होती नहीं हूँ, क्योंकि सावन में तो मैं कभी जाती हूँ, सावन के महीने में रक्षाबंधन भी मेरे घर पर नहीं होते, काफ़ी साल हो गए। क्या लेना है, चलो ले लो छिलके, चलो दुकान बंद हो गई, अयान कह रहा है मुझे लेना है। क्या लेना है आपको, तो कोई बात नहीं अभी खुल जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा भर चुका है ना, तो दुकान बंद कर दी है, कहीं अंदर पानी ना चला जाए, इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। तो मुझे रक्षाबंधन काफ़ी साल हो गए हैं, शायद है 4-5 साल हो गए जब से, मुझे अभी तक घर पे हुए नहीं है। तो रक्षाबंधन होते हैं ना उस टाइम पे मैं घर पे होती नहीं हूँ, और इस टाइम पे मेरे घर पे ना काफ़ी सारे जामुन लगे हुए हैं, मालूम कितने महंगे हैं, 120 रुपए किलो, हर चीज़ पे आजकल महंगा ही है, चाहे फ्रूट लेने जाओ, चाहे सब्जी लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ। मैं इनको देखती हूँ, गुस्सा हो गया ये, किट्टू किट्टू आ जाओ, आओ आओ मेरे पास आओ, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, आ जाओ, गाड़ी चलानी है आनू, दे दो ये चलाएंगे, अपनी गाड़ी चलाएंगे, ये डर रहे हैं, चलाओ बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, कुछ कह रहा है, आ जाओ। क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, चिप्स,
बेटा उसको भी कार्टून देखना, आप ही देखना जानते हो क्या? खा लो। क्यों, तुम क्यों चीख रहे हो? क्या है? पढ़ लिया? सो गए थे? नींद आ गई थी आपको? फिर आप इतनी लेट कैसे आए? किस लिए डाटा? लेट आई इसलिए? तेरी क्लास लंबी। वो ऐसे ही कर रही थी, खेल लो ठीक है? और खेलने भी नहीं दूंगी, और उसकी आंटी बोली कमरे में बंद करेगी। नहीं, ऐसे ही वो झूठ कह रही थी, कुछ नहीं करेंगे। हाँ, आपको होमवर्क भी मिला है? मैडम ने दिया? मम्मा जी, नाखून पट डाली। खा लिया करो ना, जैसे हाथ के नाखून खा लेते वैसे ही पैर के भी खा लिया करो। क्यों, खा लिया करो। मेरे पे मालूम क्या हुआ, आध घंटा हो गया है जब से फोन ओके है और समझ नहीं आ रहा है। सोनी करती तो क्या था कि वो बात करती, तो शायद किट्टू ने लगा दिया होगा। तो आध घंटे से फोन चल रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा उधर से। हाँ बेटे, आ रही हूँ। आराम से फिसल जाओगे, गीला पड़ा है। क्या होता, बाहर से कोई आता है ना तो कीचड़ इतना ज्यादा है गली में, तो अंदर तक ना गीला ही गीला हो रहा है। और अभी ये गाड़ी लेके आए, गाड़ी अंदर की है तो सारे में पूरा गीला हो चुका है। और मालूम क्या है, हम हाउस वाइफ की ना, सभी की जितनी लेडीजें हैं उनकी एक टेंशन डेली डेली ये रहती है कि खाने में क्या बनाओ। तो रोज रोज समझ नहीं आ रहा कि क्या सब्जी बनाऊँ, और मैं इसी इंतजार में बैठी हूँ कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। आयान देखिए मेरा खेल रहा है छुपा छुपाई। ठीक है ठीक है, ओके। देखिए कहाँ छुपा, जैसे इसको ना कोई ढूंढ नहीं पाएगा। क्या आयान के साथ के ना दो बच्चे और हैं जो ट्यूशन आते हैं, तो मैडम तो चली गई थी इनकी, तो बच्चे अब जा रहे हैं, तो क्या आयान थोड़ी देर इनके साथ खेल लेता है। बेटा बैग रह गया आपका, बैग ले लो। हेलो, तो बस इसी इंतजार में बाय। ओहो, दाल चावल बनाने थे मुझे, तो मैंने पहले चावल बना लिए थे, फिर जैसे ही मैं दाल बनाने जा रही थी तो इन्होंने मना कर दिया, कह रहे नहीं तड़के वाली चावल बना लो। तो वैसे तो क्या करती, जब मैं तड़के वाली चावल बनाती हूँ ना तो साथ में ही छोक देती हूँ, लेकिन चावल सादा बना लिए थे मैंने पहले ही। तो फिर मैंने क्या करा, ऊपर से ये देखिए चावलों में मैं तड़का लगा रही हूँ, और रोज रोज समझ ही नहीं आता क्या बनाऊँ, दाल चावल छोले राजमा, तो ये चीज़ें ना खा खा के बोर हो जाते हैं। आज क्या हुआ, दो दिन से बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी तो गली में सब्जी वाला भी नहीं आया था, और ये शाम को थोड़ा लेट आते थे तो इस वजह से सब्जी आ भी नहीं पाई थी कुछ, तो हरी सब्जियाँ कुछ थी नहीं इस टाइम पर, और दाल किसी को खानी नहीं थी तो बस चावल में तड़का लगा दिया था, जो उनको खाने थे तो वही मैंने बना दिए। और येलो वाले चावल हैं वो तो मेरे घर में ना अयान को सबसे ज़्यादा पसंद है। उसका तो मालूम क्या होता है, जब मैं सादा चावल भी बना लेती हूँ ना फिर भी कहेगा मम्मा तड़के वाले बना दो। तो बस काफ़ी की फुर्सत हो गए थे, और किचन है वो भी मैंने अपनी कर दी है क्लीन, क्योंकि ज़्यादातर ना मैं शाम को अपना ये सारा जो काम है वो निपटा देती हूँ जो किचन का होता है, और ख़ासकर जो बर्तन होते हैं ना शाम को मैं कम ही रखती हूँ, शाम को ही धो धा के सब रख देती हूँ मैं। तो मालूम क्या होता, सुबह के लिए ना काम कम हो जाता है, और सुबह जब किचन में आते हैं ना, सुबह उठो कॉफ़ी बनाओ आके या चाय कुछ भी बनाओ, तो किचन एकदम साफ़ रहती तो अच्छा लगता है। तो आज मैंने सब्जी मंगा ली थी क्योंकि इस टाइम पे मौसम थोड़ा सही था, तो ये चली गई थी। तो इधर मैंने कद्दू करेले भिंडी अरबी खीरे आलू लहसुन, क्योंकि सारी सब्जियां मेरी ख़त्म हो रही थी, फ्रिज पूरा खाली पड़ा हुआ था, तो ये सारी सब्जियां ले आए हैं। तो जो हरी सब्जियां हैं वो तो मैं धो के रख देती हूँ,
और बाकी जो अरवी है और आलू है ये तो मैं ऐसे ही उठा के रख दूंगी। और अरवी मालूम क्या होता है, अगर धो के रख दो ना तो मालूम क्या होता है, वो खराब हो जाती है। और बगैर धोए रखी रहे ना तो चाहे आप एक हफ्ते तक रखी रहो घर में, खराब नहीं होती है। तो वो तो मैंने ऐसे ही उठा के रख दी है। और बाकी ये सब्जियां हैं ये मैं धो के रख देती हूँ, और इनका जो पानी है वो निचुड़ जाएगा, उसके बाद ही मैं फ्रिज में रखूँगी। और गीली सब्जियां रख दो ना तो मालूम क्या होता है, ख़राब जल्दी हो जाती हैं, तो इनका पानी सूख जाएगा, उसके बाद उठा के मैं फ्रिज में रख दूँगी इनको। तो सारे काम से मैं तो हो गई हूँ फुर्सत। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो मेरा ब्लॉग है वो करती हूँ मैं यहीं पे एंड। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हो तो पूरा देखा करो, और वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो।